और हमारे भाई बहन गरीब रहें ताकि हमारे कदमों पर पड़े रहें। ये बहुत ही बुरा ख्याल है, बहुत ही बुरा ख्याल है। ऐसे लोग सब के सब आखिर में बहुत ही परेशानी की ज़िंदगी गुजारते हैं। क्यों? अल्लाह की ये धमकी है कि जिसने सिला रहमी को काटा, मैं उसको अपनी रहमत से काटता हूँ। रहीम सिला रहमी रहमत से ली गई, अल्लाह की रहमत जो है, अल्लाह ने उसके अंदर अपनी रहमत को डाला है। जब अल्लाह ने मखलूक को ख़त्म पैदा किया तो रहीम खड़े होकर उसने अल्लाह के हजस को पकड़ा, कहा हादा मकामुल आयदेवे का, यही है तुझसे चिमटने की जगह, तो बता मैं क्या करूं। तो अल्लाह ने कहा अम तरदईन अन असला मन वसलकी उमन अख्ता मन कता की, तुम इससे राजी नहीं कि जो तुम्हें अपने से जोड़े, जो तुम्हारा ख्याल करे, भाई भाई का, चचा का, खाला का, फूफी का, उनकी औलाद का ख्याल करे, दादी का, दादा का, तो मैं अपनी रहमत से उसको जोड़ूँ। और तुमने पता कि अगर मैं इन लोगों को काटे, मैं उसको अपनी रहमत से काट दूँ। लोग समझते हैं मैंने सब किया, कहाँ कुछ मेरे साथ हुआ। भलाई माल ऐसा ऐसा आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो लगता है कि जैसे बारिश का पानी खत्म हो गया। कोई भी चीज़, सेहत आते आते आती थी, हम चार दिन बीमार हो गए, सेहत ख़त्म हो गई, ताकत ख़त्म। भले कोई शक्ल सूरत देख ले, पता नहीं, हमने तो छः से भी देखा भी नहीं कई रोज़ से कि हम कैसे हैं, लेकिन ताकत नहीं जिस्म में। हालांकि ये ताकत आते 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 आती है, फिर चली जाती है। तो अल्लाह की रहमत जिस शख्स से रोगर्दा होती है ना, वो कमाता रहे। अपनी ताकत पे कोई न मगरूर हो, अपनी ताकत पे कोई न मगरूर हो, नशे मालो दौलत में मत चूर हो, नशे मालो दौलत में मत चूर हो। एक दिन सबको पीना है जामे फना, और जामे फना अगर पीकर ख़त्म होता मामला तो ठीक था, कोई बात नहीं थी, फिर तो जो चाहते दुनिया में करते। लेकिन मसला टेढ़ा यह है कि उसके बाद फिर ज़िंदगी शुरू होती है असली हकीकत की। जैसे कहा इकबाल ने ना, मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, है ये सुबह ज़िंदगी, है ये शाम ज़िंदगी, सुबह दवाम ज़िंदगी। अब दुनिया की ज़िंदगी तो शाम हुई है, लेकिन अब हमेशा की ज़िंदगी के उस सुबह हो चुकी है। वहाँ आपको ये दारुल अमल है, काम की जगह है, वो दारुल जज़ा है, अमल उसका बदला पाने की जगह है। इसलिए मेरे भाइयों मुसलमानों, तुम अपने मनसिब पर फख्र ना हो, तुम रईस होने पर फख्र ना करो, तुम सदर होने पर, तुम बॉस होने पर, तुम मैनेजर होने पर फख्र ना करो। ये जान लो ये सब की सब चीज़ें आनी जानी हैं। अरब के लोग ज़बान में उनका कोई मुकाबला नहीं। कहते शेख ये कुर्सी तो नाई की कुर्सी, जैसे नाई की कुर्सी आते रहते हैं लोग, बैठते रहते हैं, जाते रहते हैं, बैठते रहते हैं। कहा ऐसे बादशाह की कुर्सी, ऐसे मालदारों की कुर्सी है, तो ये कुर्सी जो है ये नाई की कुर्सी है। ये पता नहीं इस पर कौन आता है बैठता है और कौन कब चला जाता है यहाँ से। तो दुनिया को हमको यही समझना चाहिए। और वही लोग दुनिया में अच्छे हैं, वही लोग दुनिया में दुआ के मुस्तहिक होते हैं। आप जानते हैं कि सख्तरू आदमी, गर्दन टेढ़ी करने वाले आदमी के लिए कोई दुआ करता है? सामने भले खुश खर हो जाए, दिखा दे, लेकिन पीछे लानत करते हैं। हबू दरदा साहबी का कौल है, नहनु नुकश्शिरु अनिया बना लियाक़्वामिन तलअनुहुम क़ुलूबुना। हम बाज कौम के सामने तो आप दाँत दिखाते हैं मुस्कुरा करके, लेकिन हमारा दिल उनको लानत करता है। आपके सामने कोई मुंह बनाए ना बनाए, लेकिन दिल से आपको मोहब्बत करे, बस आप अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। और जानते हैं इसका धुरा बुर्दबारी है, गुस्सा ना होना। कहीं आप गुस्सा हो जाए
आप सोचते हैं गुस्सा हो जाओ, लेकिन गुस्सा हो गए तो बड़ा नुकसान हो गया। और सब्र किया तो टोकरी टोकरी भर फल लेकर के आप समझे चले गए। क्यों? कम से कम अगर नाराज होकर आपने डांटा नहीं तो आप उसके उस आदमी की बुराई से बच गए, उसकी दुश्मनी से बच गए। लेकिन अगर आपने डांट दिया, नाराज हो गए, चैलेंज दे दिया, तो आमतौर से लोग खबीसु नफ्स होते हैं, अक्सर लोग सफ़ी होते हैं, अक्सर लोग बददीन होते हैं, अक्सर लोग गुस्से में। ऐसे हमें अपने माल की हमें कोई फ़ख्र नहीं, कोई नहीं, वो ऐसे नहीं। आप कुछ कह कर देखिए तब पता चलता है, तब असली बीमारी जाहिर होती है कि हाँ माल पर गुरूर है कि नहीं है। है तो मैं ठीक कर दूंगा। कैसे ठीक कर दोगे? इंसान हो भाई, मेरे अंदर क्या ताकत है कि मैं इस लड़के को ठीक कर दूँ? मैं इंसान हूँ, इंसान, मेरे दो हाथ उसके दो हाथ, वो अल्लाह ने पैदा किया, मुझे इंसान ने पैदा किया। लेकिन क्यों ये जेब बताता है, ये कर दूंगा, तुझको फंसा दूंगा, तुमसे पुलिस से तोड़वा दूंगा, किस दिन, कितने दिन तक के लिए? तो इसका धुरा भलाई का बुर्दबारी तहमुल है, और फसाद का जड़ या फसाद की जड़ गुस्सा है। गुस्सा, गुस्से में जो चीज़ें होती हैं, और जानते हैं आप ही के लिए नुकसानदेह। हमारी वालदा क्या करती थी, हमारे अपनी देहाती ज़बान में, बुध खाए आन के रिस खाए अपना। इसका मतलब हुआ कि बुर्दबारी दूसरे को खा लेती है और गुस्सा तुमको खाता है। हमारी वालदा मुझसे कहा करती थी, बाबू सब्र करोगे तो दूसरे को खा लोगे, गुस्सा हो गए तो अपने को खा लोगे। गुस्सा तुमको खाता है और बुर्दबारी संजीदगी सब्र तहम्मुल दूसरे को खाता है, वो हार जाता है तुम्हारे सामने। इसलिए सहाबी आए कि अल्लाह के रसूल, मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ, आप मुझे कुछ नसीहत कीजिए। कहा ला तग़ज़ब, गुस्सा ना हो। बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह का रसूल आपने बड़े मुख्तसर अंदाज में दो बात कह दी। उसके बाद फिर कहा ला तग़ज़ब, गुस्सा ना हो। तअज्जुब की बात है, अल्लाह का रसूल इसके बाद कहा ला तग़ज़ब, गुस्सा ना करो। आपने इस एक लफ्ज में सारी बुराइयों को एक गढ़े में डाल दिया, सारी खराबियों को एक गढ़े में बंद कर दिया, और जहां आता हो कि सब्र से काम लो, वो समझिए कि आपने एक भलाइयों का समुंदर अपने सामने रख लिया। भलाइयों के समुंदर में आप गोताज़नी करते हैं, आप ऐसी जगह पर हैं आपको हर आदमी पसंद करता है। जानते हैं बुर्दबार आदमी को कुत्ता भी नहीं काटता रास्ते में, मोहल्ले के कुत्ते जान जाते हैं कि औला सीधा आदमी, तो उसको देखकर भागते नहीं, और जो बुरा होता है उसको देखते भागते हैं कि भी मार देगा उसको ढेले से। क्यों? ये आपका अखलाक आपके लिए या तो तारीकी या रोशनी। आप पता लगाइए, बहुत से लोग जो 10-10 साल से उसमें हैं, अगर कोई कुत्ता किसी गली में आदी हो रहने का, तो बहुत से लोग जो जाते हैं उनको जानता कुत्ता लेटा रहेगा, और बाद हैं टेढ़े किस्म को उधर से गुजरेंगे उठ कर भागेगा बेचारा। क्यों? कि कहीं मार न दे उसको पैर से, जूते से न मार दे, ढेले से न मार दे। यही हाल है बुर्दबार इंसान का। मेरे भाइयों, गुस्सा करोगे तो अपना नुकसान करोगे। गुस्सा करके किसी का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप खुद महरूम हैं। आप किसी आलिम से नाराज़ हो जाएँ तो उसके इल्म से महरूम, किसी मालदार से नाराज़ हो जाए तो आप उसके दाद दहेज से महरूम हो जाए। जो चाय पिलाता है वो कभी कभार वो भी नहीं मिलेगी आपको, कभी जो कहता है मेरे घर तशरीफ़ लाओ वो भी नहीं कहेगा। लेकिन आप गुस्सा मत करो तो आपके सामने सारी भलाइयों का दरवाज़ा खुला रहता है। तो मैं इतनी बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे ख्याल एक तकरीर से कम नहीं इतनी बात मैंने कह दी। बहुत लंबा शोर शगब करना, मुझको भी शोर शगब का बहुत ढंग है, मैं शेर और पढ़ने में बहुत माहिर हूँ, नज़म को पढ़ना और वो लाना और कायदे से।
لیکن جب سے میں محقق اللہ نے مجھے بنا دیا تب سے میری زبان کٹ گئی, ورنہ میں بہت اچھی آواز کے لڑکوں میں تھا بچپن میں. اب بھی اگر تھوڑا سا سوچ لوں ایک دو دن پڑھنے کو تو اچھی طرح پڑھ لوں, لیکن چونکہ اہل بغلور سے میری کوئی معرفت نہیں ہے اس لیے میں نہیں کچھ کہہ سکتا. جہاں سے میں نے بچپن میں پڑھا ہے بہت دنوں کے بعد 14 سال کے بعد گیا مدینہ سے پڑھ کر, جب بیٹھا تقریر کرنے تو عورت مرد ہر طرف سے گلا, ہم تقریر نہیں سنیں گے پہلے نظم سنیں گے. تو میں نے کہا بھائی اب نہیں پڑھتا. نہیں آپ پڑھیں نہ پڑھیں, ہم لوگوں کو بچپن کی یاد تھا کیونکہ ہم وہاں پر 8 سال کے گئے تھے پڑھنے اور وہاں پر تھے 13 سال تک. تو جب پڑھا ہے میں نے جھوم کر کے, اس کے بعد جو ہے لوگوں نے کہا اب تقریر کریے, اس کے بعد تقریر ہوئی. تو میرے بھائیوں اگر آپ لوگوں کی میری کچھ ضرورت ہے, کچھ سوالات ہیں تو آپ سوالات کریے تاکہ میں آپ لوگوں کا جواب دوں, ورنہ مجھے اجازت دے دیجیے میں واپس چلے جاؤں. نہیں اب چھوڑو, وہ عمر نہیں رہی, عمر نہیں رہی. کبھی تنہائی کمرے میں سن لینا, سنایا تھا ان لوگوں کو کل جو ہے سفر میں. نماز میں سورہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں ظاہری نماز میں, اس میں حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر رکعت نہیں ہوتی ہے, نماز نہیں ہوتی ہے. اب جب امام زور سے پڑھ رہا تو ان کے پیچھے ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ جب قرآن چلتا تو اس کو سننا ہے. اہل حدیث کو تو سوال نہیں کرنا چاہیے. نہیں میں بہت لوگوں سے پوچھا شیخ. نہیں میری بات سنیے, اور مقلد بیچارے پوچھ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ اہل حدیث میرے خیال امام صاحب کہاں گئے, جو نماز پڑھائی بھاگ گئے. کہاں بھاگ, امام صاحب کون ہے بھائی, آپ ہیں؟ کیونکہ عام طور سے امام وام بھاگ جایا کرتے ہیں کیونکہ ان کو دوسرا کوئی پسند نہیں آتا. تو انہوں نے جو نماز پڑھائی ہے تو ہر آیت پر رکے ہیں, ہر آیت پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین رکے نا. آپ وہ چھوڑیے پہلے, پہلی بات یہ آج پڑھے ہیں ایسے پڑھے ہیں ایسے کہنا, ایسے پڑھتے ہیں میرا خیال. اور اہل حدیثوں کی کچھ خصوصیات ہیں, جبکہ بس خصوصیات اکثر گئی آپ لوگوں کی اکثر خصوصیات گئی ہیں, لیکن بعض ہے پیر کا پیر سے ملانا, کندھے سے کندھا ملانا, گو کہ بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ کیسے کندھے کو کندھا ملائیں کہ پیر سے پیر مل جائے. اب ایک صاحب میرے آسامے تھے ایسے کھڑے ہیں, ایک تو پینٹ پہنے ایسے لگ رہا ہے کہ آنے جانے کا کوئی راستہ ہوا آنے کا نہیں, یہ بری شکلیں ہیں. لیکن اماموں کو چاہیے کہ بتائیں کہ کیسے کھڑے ہوں, سب سے پہلے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں, اس کے بعد پیر سے پیر ملاؤ, یہ خصوصیت. دوسرے ہر اہل حدیث اللہ کے جو سعودیہ والوں کی نقالی کر دیں, کیوں اب تو اذان میں ہر چیز میں مکہ مدینہ کی نقالی, یہ بھول گئے کہ اہل حدیث ہیں اور وہ لوگ حنبلی ہیں, ان کو پتہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو وہاں کا پڑھنے والا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, آپ لوگ دیکھ آج سے حرم کے تھوڑا دنیا دوسرے ائم حرم کو ریاض میں 15-16 سال میں نے ایک امام کو پایا جو شیخ بن باز کے محلے کی مسجد میں تھا, اس نے گھوم کر یہ بھی کہا کہ صف درست کر لو اور ہر آیت پر کھڑا ہوا. نماز بعد میں نے کہا, میں نے کہا یہ تو کہا بھائی نیا آدمی آ گیا, تو کہا نہیں شیخ سنت ہی ہے. میں نے کہا چلو الحمدللہ سنت تو ایک پکڑے بیٹھا ہے نا, ہندوستان میں کوئی بھی اہل حدیث نہیں ہے جو ہر آیت پر نہ اترے, ایسے ہے نا بچوں, ایسے ہے نا, سارے کے سارے اہل حدیث ہر آیت پر رکتے ہیں. اس اچھا آواز سے پڑھنے پر ٹائم زیادہ لگتا ہے, سری یعنی ایسا پڑھنے پر ٹائم نہیں لگتا, جتنے میں رکتے ہیں امام صاحب اتنے میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, حنفیہ ہیں, شافعیہ ہیں, مالکیاں ہیں, حنابلہ ہیں, یہ ایک ہی کپڑے سے سب دھلے ہوئے ہیں. جیسے انگلی ہے نا
कोई लंबी है, कोई नाटी है, मगर ये सब उंगली ही हैं, सब के सब मुकल्लिद ही हैं, कोई भी उसमें काबिल इत्तिबा नहीं है। इल्ला कि जो कह दे कि मैं अहले हदीस हूँ, जैसे शेख अब्दुल्लाज़ीज़ बिन बाज़ खुल कर कह दे थे मैं अहले हदीस हूँ, अल्लाह की रहमत मुझ पर ना होती तो मैं हम्बली हुआ होता, तो ये बात ज़बरदस्त थी उनकी। और बकिया लोग जो ये ना कहे, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है सच्चा माबूद इल्लाह के अलावा, ऐसे जो ना कहे कि मैं अहले हदीस हूँ मुकल्लिद नहीं हूँ, अहले हदीस हूँ किसी मजहब पर नहीं चलता, वो अहले हदीस नहीं हो सकता। मुँह से हाँ हाँ मैं भी अहले हदीस हूँ, किसको पसंद नहीं अहले हदीस है। एक साहब कह ले रहो से दो बंदी, हजरत तो हम क्या अहले हदीस नहीं है, तो मैंने कहा तबाद से कहो, जवाब अहले हदीस तो आज क्यों नहीं कहते, कहो आज से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है। तो ये सब जवाब होता है, लेकिन जब हम जैसे लोगों से मुलाकात होती है तब सबका जवाब भूल जाता है। हनफी जब पढ़ें तब उनकी कोई परवाह न करो। अब मैं क्या बताऊँ, यहाँ पर दो ही तीन आदमी कौन से उलमा हैं भाई, कौन बड़े कौन से उलमा लोग हैं, आप आलिम हैं, आलिम आप आलिम हैं, आप साहब आलिम हैं, कहाँ के फारिग हैं, बनारस कहाँ के रहने वाले हैं, मैसूर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बड़ा मसला, फिर भी दो तीन आदमियों को समझाना पूरी मजलिस को छोड़कर ये भी एक बड़ी परेशानी की बात है। कुरान में 114 सूरत हैं, जिनमें से एक सूरत है सूरह फातिहा। कुरान में है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो चुप रहो, हदीस में भी है जब इमाम पढ़े तो चुप रहो, लेकिन किसी हदीस में नहीं आया, किसी हदीस और कुरान में नहीं आया कि जब इमाम फातिहा पढ़े तो चुप रहो, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। असल में पहले लोगों में जिस चीज़ में इख्तलाफ हो जाता है ना, वो जैसे नदी खुद जाती है तो बंद ही नहीं होती ज़िंदगी भर, जो क़यामत तक वही हाल होता है। वरना बहुत आसान काम कि 114 सूरतों में 113 भी जब पढ़ी जाए तो मत पढ़ो, मगर उसको सूरह फातिहा से निकालो, क्योंकि आम खास मतलब मुकय्यद ये सब कवायद इस्लाम में मौजूद हैं। आम है ना पढ़ो, जब इमाम पढ़े हाँ सूरह फातिहा पढ़े तो पढ़ो, सूरह फातिहा सबके पीछे पढ़ो, तो मसला कोई नहीं है। लेकिन एक यूसुफ व ज़लीखा का अदना सा था किस्सा, यूसुफ व ज़लीखा का अदना सा था किस्सा, यारों ने जो सुन पाया तो अफसाना बना डाला। हो गया जवाब का, जवाब हो गया। शेख निकाह करते हैं, एक बीवी है और एक निकाह करते हैं, मगर घर में नहीं मालूम पड़ता और बाहर भी जो कुछ लोगों को मालूम नहीं पड़ता, चुपके करते हैं, जाहिर है कि ऐसे करना। गौर से सुनिएगा, असल में बहुत सी बात सब कहो कुछ समझते कुछ। जैसे मैंने बम्बई में कह दिया कि जिस इमाम ने, जिस खतीब ने, जिस मुकर्रर ने पैसा ले लिया अपनी तकरीर पर, उसको कोई अजर नहीं मिलेगा, तो सब पगला गए, बोले भरे थे, अरे तुझे कैसे होगा। मैंने कहा मैंने तो नहीं कहा कि आप हराम खा रहे हैं, मैंने देखा हराम है, आपको अजर नहीं मिलेगा। मैंने कहा जैसे मस्जिद जिसने बनाई है, जिस बनाने वाले मेमार ने पैसे अपनी तनख्वाह ले ली, मजदूरी ले ली ना, क्या इसके बनाने में उसका कोई अजर है, इसके बनाने में उसका कोई सवाब है उसका, नहीं। ये तो वाज़े चीज़ है, इसमें कोई झगड़े की बात नहीं, लेकिन बस जब लाइन पड़ जाती है तो लोग समझ नहीं पाते कोई चीज़। मरकज़ था कोई, मैंने कहा इस मरकज़ के बनाने वाले ने, जिस पैसा नहीं है, पैसा देना तो मिलेगा ही, पैसा देने वाले का तो सर से पैर तक अजर है, लेकिन मैंने कहा जो बना कर वो चला गया मुहंदिस आर्किटेक्ट मैमार बनना, क्या उसको भेज रहे कहने। मैंने कहा तो जब आप खुद जवाब जाते झगड़ा क्या करते। मैंने कहा नहीं कहा कि हराम है, हलाल हलाल दर हलाल खाओ, लेकिन अजर नहीं पाओगे। तो बैठे रहते हैं लोग ना, दिलचस्प वलमा लोग जो होते हैं। तो शेख साहब जो आपने रियाद में प्रोफेसर थे, जाओ तनख्वाह ली, तो मैंने कहा मुझे भी कोई अजर नहीं,
अब हक्का बक्का सबके सब हो गए। मैंने कहा मुझे भी कोई अज्र नहीं, और मैं मगर मैंने कहा कि जन्नत में दाखिल होने का एक रास्ता तो नहीं है, तो भाई इस्तगफार है, ज़्यादा इबादत करना है, क्या है क्या करना है, जिसका पैसा है करीब मिल गया वो हमको। मैंने कहा हमने इतनी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अल्लाह बरकत दे, कही अल्लाह बरकत दे, बोलो अल्लाह बरकत, तकरीबन 450 मस्जिद मैंने बनाई है, इतनी बड़ी जामिया मैंने अल्लाह ने इस हकीर हाथ पर खड़ा कर, मैं क्या जानूँ आधा रुपया उसको मैं जाता हूँ, अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ा अजर है। और तनख्वाह मैंने ली है, तनख्वाह ही मैंने सिर्फ ली है और किसी चीज़ की, मैंने जो किताब मेरी छपी 1,07,500 सब पैसा मेरे हाथ में था, लेकिन मैंने एक पैसा नहीं लिया, क्यों नहीं अल्लाह के लिए। अभी किताब जो छपी मेरी 1,1160 सफ़े में दो खूबसूरत जिल्दों में, वो कोई जिन्नी लड़का बैठा उसके लिए मैं लाया, एक नुस्खा दिया है, उससे पूछो कितनी खूबसूरत है, कितनी वजनदार है, कितनी अहम है, मैं उसका भी कोई पैसा नहीं लिया किसी से, सब मुफ्ती देते हैं जो जाते हैं। तो आपने क्या क्या सवाल किया था? हाँ हाँ हाँ, तो निकाह तो बहुत सी बात लोग नहीं समझते, निकाह को अगर आपने किसी से कह दिया कि मैं निकाह कर रहा हूँ, अजहर किसी से कहना नहीं, तो इमाम मालिक कहते हैं निकाह वही फौरन बातिल हो गया, वो निकाह ख़त्म। हाँ ये नहीं कि आप पूरी अब कह गए पिछड़ा साहब पूरी दुनिया डग्गा बैठ है, नहीं 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 नहीं, आप किसी से ये मत कहें कि कोई ना जानने पाए, अगर ये कह दिया तब ऐलान नहीं हुआ। और हदीस में आलिन हादन ने कहा उदरब आलिया बिदुफ व जालूफ मसाजिद, निका को का ऐलान करो, इस पर दब बजाओ और इसे मस्जिद में करो। हदीस के दो लफ्ज सही हैं, मस्जिद में करने का लफ्ज ज़ईफ़ है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। हाँ शहरों में लोगों के फ्लैट में जगह नहीं है तो कहते भाई चलो अल्लाह के घर में कर लो, क्योंकि वहाँ 10-5-20 आदमी बैठ लेंगे, हमारे फ्लैट में कहाँ बैठेंगे, ना हाल में जगह है, वन वेज का है, टू वेज का है, एक में बच्चे सोए हैं, एक में बीवी रहती है, वहाँ क्या जाए लोगों को दिखलाने, तो इसलिए अल्लाह का घर ले आए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो सोचते हैं मस्जिद में निकाह सुन्नत है तो उनकी गलती है, अगर अहले हदीस इस बात को सोचे तो उसके ऊपर अफसोस है, अफसोस दर अफसोस है। रहे देवबंदी तो तबलीगियों के यहाँ तो पूरा मिशन चलता है, नहीं मस्जिद निकाह मस्जिद में होनी चाहिए, निकाह मस्जिद में होनी चाहिए, निकाह मस्जिद में होनी चाहिए, मस्जिद में निकाह इससे होनी चाहिए कि आपका घर तंग है, आप घर में लोग नहीं बैठ सकते। जैसे आज ही हमने निकाह पढ़ा एक बच्चे का, अल्लाह बरकत दे उसके निकाह में, उसमें बाहर लोग नहीं आए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, पता चला कि भूल गए लोगों को दावत नहीं दी, भूल गए लोग। तो अब उसमें कोई क्या करे, मामू हैं, चचा हैं, खालू हैं, बहनोई हैं, उनके बच्चे घर के पहुँच जाते हैं, वरना निकाह में 5-6 आदमी ज़्यादा होने नहीं चाहिए, एक लड़का या कोली या काजी और दो गवाह। लेकिन आप दुनिया में हर चीज़ को रोक नहीं पाएंगे, मामू नहीं आएंगे गुस्सा होंगे, चचा नहीं आएंगे नाराज़ हो जाएंगे, खालू आपके खाला से मारपीट कर लेंगे, तेरे घर के लोग बहुत बुरे हैं तेरे, तो 10-5-15 हो ही जाते हैं, और छोटे फ्लैटों में 10-15 आदमियों को बैठने की जगह नहीं रहती। तो ऐसी सूरत में कोई लाए तो हम लोग उसको बहुत खुश होते, अच्छा है, अच्छा चलो एक दिन के लिए क्या तुम जाओगे ले लें कोई किराए की चीज़। भाई मुसलमान का जितने ही पैसा बच जाए उतने बेहतर हमारे लिए। तो आप निकाह करें, दूसरी बीवी से ना बताएं, लेकिन ये किसी से ना कहें कि मेरी बीवी से मत बताना। लेकिन जान लीजिएगा इतने बदतमीज लोग होते हैं, दुबई में एक साहब का निकाह हुआ, अल्लाह कर मेरे घर में मुझसे करवाया, वहाँ से मैं दुबई से 700 किलोमीटर दूरी रहता था, वहाँ पर वलीमा किया, फिर गए नहीं बनो रह रह छोड़ रहे फिर गए दुबई में उन्होंने वलीमा किया, कहा शेख कहते कमीने सब दोस्त है, खा करके हाथ पोछ करके टेलीफोन निकाल मेरी बीवी गए फला ने जो है शादी कर ली है, कहते डाला शेख खाते ही
मेरे घर पे आग लगा दी सबों ने। तो मैंने कहा अब दोस्तों को आप नहीं पकड़ सकते, दोस्त दोस्त होते हैं भाई, वो दिलचस्पी भी होते हैं, आपके लिए जान भी देंगे, आपको बर्बाद भी देंगे, चाहे जो हो। तो कहा कि शेख खा करके इतने कमीने हाथ पूछ करके और बाहर कहा दरवाजे पर टिका के टेलीफोन मेरी बीवी का कहे है फलाना, नाम नहीं लूँगा नहीं जाएंगे हम, उसके शौहर का कहा फलान फलाना, अरे तेरे शौहर ने तो शादी कर ली, अब वो घर में मातम हो गया। तो आप करें, ये नहीं कहता आप पूरी दुनिया बताएं, लेकिन ये मत कहें जैसे ये आपके दोस्त हैं, अरे भाई किसी से कहना नहीं, मेरी बीवी से कहना नहीं, इमाम मालिक कहते अगर आपने कह दिया तो निकाह आपका ख़त्म हो गया, जाओ बिला बीवी हो गए, फस्क हो गया। दूसरे इरादा है करने का, जैसे कहे मर के तौबा कर रहे हैं, अरे कोई गुनाह की बात है, हम लोग तो ढूंढ रहे हैं पा जाए, लेकिन इस उम्र में जैसी हम चाहते हैं वो हमको नहीं चाहेगी और जैसी मिलेगी उसको हम नहीं चाहते, क्या ख्याल है? मैं बहुत खुश है। चलो हैं नहीं, ट्रैफिक का फाइन आप जो करते हैं ये तो आपका जुर्म है, जुर्म में उसका इस्तेमाल जायज नहीं है, नहीं तो फिर तो आज से सारे लोग वो क्या उसको कहते हैं, इशारे को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सिग्नल को चलो हटाओ पैसा लग जाएगा, नहीं नहीं जुर्म के कामों में कभी उसका इस्तेमाल नहीं हुई। हैं टैक्स शायद हो जाए, लेकिन असल में सूद में कोई भी फतवा ये आलिम के लिए बहुत ख़तरनाक है। बम्बई में एक लड़के ने मुझसे इतनी बहस की मगर वो कायल होगा मेरा कि मैं बहुत समझदार आलिम हूँ, अब मैं कायल होगा कि लड़का बदतमीज बहुत ज़हीन है। फिर जो सी तकरीर हुई वहाँ भी पहुँचा, मेरे कह रहे अरे मोतरे से बहा जाए भी तुम आ गए, तो खैर तो आया था अकीदत में कि चले शेख की बातें सुने, तो वहाँ तो और मज़ा आ गया लोगों को। उम्रे के अलावा जो तवाफ करते हैं उसके बाद अगर मकाम इब्राहिम के पीछे या मताफ के अंदर अगर दो रकात नफिल नहीं पड़े तो क्या तवाफ नहीं माना जाता? माना जाएगा, वो सुन्नत है, वाजिब नहीं है। असल में हम लोग बहुत से मसाइल आप लोग को बताना नहीं चाहते, लेकिन आप लोग उतना खोते हैं कि सब खराब कर देते हैं। अब आज से जितने कुल हैं जाएंगे, अरे चलो भाई भीड़ है, शेख ने कहा कि वो सुन्नत है वाजिब नहीं है। हम लोग बहुत से मसाइल पी जाते हैं, पढ़ने दो, क्योंकि इससे बढ़िया मौका कहाँ पाएंगे दुनिया में। वरना जो उम्रे का होता है तवाफ उसमें दो रकात वाजिब है, और बकिया जो भी तवाफ है, बकिया यानी पहला तवाफ जो होता है, अब उम्रे का मैं कह करके मैं आपको अब दूसरे का मतलब बताने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम हज के बारे में बहुत माहिर उलमा में दुनिया में है, क्योंकि बहुत हज किया, बहुत पूरे काफिलों को हज कराया, कई सौ हज़ार आदमियों को हम उसके शेख रहते थे। तो मतलब पहला उम्रा जब करो इसमें भी दाखिल हो गया जो मगर तुमने हज नहीं किया अभी ना, हाँ नहीं जानोगे, वो जो तवाफ़े ज़्यारत है अगर किसी ने तवाफ़े कुदूम नहीं किया है तो उस पर भी वाजिब है, लेकिन अगर नहीं है पहला कर लिया तो हर तवाफ के बाद सात दो रकात सुन्नत है वाजिब नहीं है, समझे? हैं क्या हाँ हाँ मक्के के सफर का क्या है ये तो वलीमा हुआ ही नहीं। हमारे एक उस्ताद हैं इस एरिए में, हजरत शेख मौलाना अनसुर रहमान हमारे उस्ताद हैं, मैंने विजय आलम कह दिया, कहा
जब आप इतने बूढ़े हैं तो आपको सर कितने बूढ़े होंगे। तो मैंने कहा कि सेहत की बात है, अच्छे हैं। उन्होंने भी यहाँ उनका जिक्र आया, ऐसे आया यूट्यूब पर या किसी चीज़ में कि वो निकाह और वलीमा सब एक साथ कर दिया। तो मैंने कहा कि हजरत ये क्या आपने किया, मतलब बार बार आते हैं और जाते हैं और परेशानी होती है। तो मैंने कहा उसका हल यही है कि वाजिब को छोड़ दो। मैंने कहा कि निकाह का खाना तो साबित ही इस्लाम में नहीं, कतान नहीं। हाँ भाई, अब आपके घर बहन है मैसूर में आई है, बहनोई आए हैं, जो मेहमान आए तो खाए गई, लेकिन उसके लिए कह रहे भाई इतने लोगों से खाना खिलाओ, ये सब मुसलमानों के कंधे को और सुन्नत और इस्लाम के कंधे को तोड़ना है। लेकिन उलीमा हो नहीं सकता जब तक मियाँ बीवी दो तीन घंटा तन्हाई में इकट्ठा ना होने। जैसे आज जो हमने निकाह कराया है, इसमें बड़ी भाई इबरत आप लोगों के लिए है, 10:30-11 बजे निकाह हुआ है, उस वक्त से अब तक कम से कम उसको 12 घंटा 14 घंटे का मौका मिला। अभी ये वलीमा शायद, मगर आप लोग चल पड़ेगा क्योंकि सबकी दावत हो तो नहीं है, जाकर के सब ख़त्म कर दें बेचारे का। जिनकी दावत हो जाएंगे और सबसे उसमें इस लड़के की दावत है कि वो नहीं माफ़ी मांगा, समझे कि नहीं तुमको चलना हराम है। हदीस में आता है, और सुन जरा, ओ मुतकब्बिर हो, सबको मैं नहीं कह रहा मुतकब्बिर, जो मुतकब्बिर है दुनिया में, बहुत से लोगों का किसी ने दावत दी, नहीं मैं जाऊंगा, नहीं मेरी तबीयत नहीं कह रही है, आपकी तबीयत का कोई एतबार नहीं। वलीमे की दावत, कोई भी दावत कबूल करना फ़र्ज़ है, इल्ला वहाँ कोई बुराई हो रही हो, गाना बजाना हो, हराम खोर इंसान हो, वरना हदीस में आता है इदा दो अहदुकुम इला वलीमा इदा दो अहदुकुम फलयुजिब दावा उरसन काना वगैरह हो, जब तुम में से किसी को दावत दी जाए तो दावत को कबूल करे, चाहे वलीमा हो चाहे गैर वलीमा हो। ये नहीं कि हम नहीं जाएंगे, क्यों बस हमारा पेट भरा है, नहीं नहीं नहीं, आप जाओ, खाना ज़रूरी नहीं। मिसा सलम ने कहा अगर किसी को दावत दी जाए और वो रोज़े से हो, जैसे मसलन सोमवार का रोज़ा है, तो आपने कहा दावत कबूल करे, वहाँ जाए खाए तो खाए वरना उनके लिए दुआ करे, मगर जाना ज़रूरी है आपका वहाँ पर। इतनी मामली है, मगर मौलाना लोग नहीं बताते, मौलाना लोग बताते नहीं लोगों को, इसीलिए कितने दावत करते हैं उनकी दावत में लोग नहीं जाते कह करके। और सबसे बड़ा इम्तिहान गरीब की दावत होती है, गरीब की दावत। वल्लाह मालदार इंसान को चाहिए, बड़े आलिम को चाहिए कि सबसे पहले उस गरीब आदमी की दावत में जाए। मुझे मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी का ये किस्सा याद आया, किताब में लिखा है, कोई बच्चा गुजरा इतना बड़ा, अपने दामन में दाल और उसमें 2-4-10 अदद मिर्च। तो मौलाना साहब आज आपकी दावत हमारे यहाँ है। जाहिर बात है कि वो चाहे बरेली थे, बदअकीदा थे, बुरे थे इन सब चीज़ों में, लेकिन बड़ा आलिम तो था ही, मशहूर आलिम। तो लड़का इसका बेटा है क्या दिखलाओ, तो उसमें वही लाल जो दाल होती है मसूर की, वही चंद। तो कहते हैं इस दावत में जाना ज़रूरी है, इस दावत में जाना फ़र्ज है। और अभी जब खाने का टाइम तो चलते हैं, गए उनके यहाँ खाए, बताइए जिस औरत ने दाल मंगाया हो उसमें उसके पास घर में मिर्च भी ना रही हो, क्या खिलाएगी? किसी ने दावत दे दी उनकी, किसी ने दावत दी, जब गया तो वहाँ पर दावत में रोटी कीमा। तो ये मुरीद लोग होते हैं बदतमीज़ ना, क्या जी तुम दावत कर रहे, तुम्हारे पास ताकत नहीं दावत करने की? कहा तभी तो किया कि ताकि ताकत हो जाए, तभी किया है ताकि बरकतों से हजरत की ताकत हमारे हो जाए, हमारे पास रोटी की ताकत हो। और उनके चेहरे पर बल भी नहीं आई, खाए गए। ये है इम्तिहान लोगों का, आज तो कोई बड़ा हो जाए आलिम, बड़ा मालदार, नहीं 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 जरा मैं मशगूल हूँ, मशगूल होने सब झूठे होते हैं,
اور مشغول ہو بھی گیا. یہ شغل نہیں تمہارا ہے, جیسے نماز تمہارا شغل ہے, تجارت تمہارا شغل ہے, نہانا تمہارا شغل ہے, بیوی کے ساتھ سونا تمہارا شغل ہے, یہ بھی ایک شغل ہے. تمہاری کوئی دعوت دے, ہاں اب کوئی آپ کو 500 کلومیٹر سے دعوت دے دے تم نے. ابھی میری کوئی دعوت ہے بلال سے, میں کہوں نہ میں نہیں آ سکتا کھانے کے لیے. امارات اور سعودیہ میں اتنی میری دعوت, اور سعودیہ کے لوگ اتنے جانباز ہیں, وہ جوان تو بس اگر اللہ نے جہاد کا دروازہ کھول دیا نا تو سعودیوں اور اماراتیوں کے سامنے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا, اسلام دنیا اسلام کا کوئی بھی. شیخ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, کہاں وادی دواسر میں, کئی کلو میٹر ہی, 600 کلو میٹر. میں نے کہا مارو تو تھپڑ ابھی, شیخ میں آؤں گا لے جاؤں گا پھر لا کر کے پہنچا کر جاؤں گا. میں نے کہا چھا چوک 24 کلو میٹر, کہا کوئی مسئلہ نہیں 2400 کلو میٹر, 2400. اور بالکل چلاتے ہیں, ان کو مرنے انہیں ڈر نہیں ہے. ایسے شیخ ہماری خواہش ہے کہ آپ حفر الباطن میں چلیں, دعوت آپ کے رہے, ہم وہاں آپ کو دعوت کریں گے, لوگوں سے ملائیں گے. کیسے کلو میٹر جی؟ 650. میں نے کہا دعوت کھانے لے لے لا, نہیں جا سکتا کہ سورت سے. ارے شیخ میں آپ کھلے تو, میں کہا چاہے جہاں سے لے جا, گاڑی چھوڑ جہاں سے نہیں. میں شیخ رہتا گاڑی سے لے کر جاتا آپ کو, پھر پہنچاتا پھر چلاتا, آ کے جاتا ایسے تو لوگ کہتے ہو تو جی کہ نہیں. تو اس یہ دعوت نہیں قبول ہے, قبول دعوت ہے مقام یعنی ہاں ممبرا کہتے ہیں, یہ منگلور میں ہے, فلاں محلے میں ہے. مطلب یہ نہ ہو کہ وہ مسافت سفر پر ہو. اگر سب مسافت سفر پر ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم دعوت نہیں کھا سکتے ہیں, یہ ہم پر واجب نہیں ہے. واجب وہ دعوت ہے جو ہمارے پہنچ کے اندر ہو. کہیں لوگ آپ پر غصہ نہ ہو جائے کہ کہیں آپ ہی پوچھ دیں صرف. نہیں میں نے کہہ دیا ویڈیو ہو تو قطر نہ جاؤ, گانا بازے تبھی نہیں, باجا تو ہرگز نہیں. بس گانا البتہ یہ مسئلہ ٹیڑھا ہے, ہندوستان کے علماء نے اس بارے میں بہت قدغن لگا دی. ہم لوگ ہمارا نکاح ہوا, گھر میں عورتوں نے کچھ گھاؤں ماؤں کیا, نانا ہمارے ڈنڈا لے کر گھس گئے, لاٹھی لے کر کے ہمارے گھر میں, تو بعد میں جب نانا کو بتایا گیا کہ نانا شادی میں اشعار پڑھنا یہ سنت رسول ہے, کہا اچھا. ہمارے نانا سنت کے بڑے پابند انسان تھے, ہم لوگ کی تربیت انہوں نے کی تھی. ہم لوگ انگلی چٹاتے تھے, چاٹو مولا تکرام تم چاٹو, انگلی بلا چاٹے نہیں دھلنا چاہیے, حرام حرام. جو حرام کہتے تو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ جہنم کا آگ کیا آگ ہم لوگوں پھینک دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا, یا حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے ہم نے فلاں لڑکے کو ودا کیا ہے, یہ نہیں کہ نکہے ہوا ہے اور کھانا پینا ہوا ہے ڈھول تاشا. اللہ کے رسول نے کہا اچھا تو تم نے کسی کو بھیجا, گانے والے کو نہیں بھیجا؟ کیونکہ انصار کے لوگ گانا پسند کرتے ہیں, اصل میں عرب کے لوگ نچنیے بجنیے ہیں. برا مت مانیے گا آپ لوگ, آپ لوگ ہم لوگ کی بول نہیں سمجھتے. ہمارے ہاں نچنیاں بجنیاں کسی کہہ دو تو آپ نے اس کی بڑی بےزتی کر دی. اور عرب کے بادشاہ سے لے کر عوام تک سب نچنیے بجنیے ہیں. کوئی بات ہو تو ملک سلمان نچنے لگتے ہیں, محمد طور ننگا ہو کر ناچنا شروع کرے گا, ابو ظبی کے سب ناچتے ہیں. ان کا جب اکٹھا ہوتا ہے بادشاہوں کا اجتماع وہاں ناچ ہوتی ہے, وہ خود ناچتے ہیں. اور ہمارے ہاں شریف آدمی نہیں ناچتا, لیکن اب یوٹیوب نے یہاں جوانوں کو بھی چوتڑ ہلا ہلا کر خوب ناچتے ہیں, سمجھے کہ نہیں. اگر ڈنڈا ہو اور طاقت ہو تو پیچھے سے پٹائی شروع کر دے تو سب ٹھنڈے ہو جائیں. تو حضور نے کہا کیوں نہیں کسی کو بھیجا, انصار کے لوگ گانا پسند کرتے ہیں, کہو کہے وہاں جا کر اتیناکم فحیونا نحییکم ولولا الہندۃ السمراء لما حلت لا
लमा समनत अजारिकुम वलौ लज़्ज़ाबु लहमर लमा हलत बवादीकुम। तो अल्लाह के रसूल ने खुद ही पढ़कर कहा, क्यों नहीं किसी को भेजा कि जाकर कहे। मगर गाने में फोश बात नहीं होनी चाहिए, बुराई नहीं होनी चाहिए, उसमें अगर थोड़ी सी तारीफ भी हो जाए खूबसूरती की, जिस्म की, तो चलता है। क्यों कहा जाता है कि अरे भाई शादी को ताज़ियत की मजलिस मत बनाओ, शादी को ताज़ियत की मजलिस मत बनाओ। उसमें अगर थोड़ी सी खूबसूरती का जिक्र आ जाए कि कमर ऐसी है और जिस्म वैसा है, तो ये भी चलेगा थोड़ा सा, लेकिन उससे ज़्यादा तजावज़ जायज़ नहीं है। और रहा बाजा, तो बिल्कुल जायज़ नहीं, समझे। भाई की तरफ से पूछ रहा हूँ, जब बुराई कहीं से उठती है तो वो जितनी तेजी से फैलती है भलाई नहीं फैलती। ये कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने की बुराई सऊदीया से शुरू हुई, और सऊदीया के बहुत से उलमा ने इसके खिलाफ किताबें लिखी, उनकी किताब नहीं चली, ये बुराई चल गई। कई बार जगहों पर गया, देखा पूरी मस्जिद में सफ है, ये तो मस्जिद है हमारी, अब जो है ये जो है क्रिश्चियन की का के इबादतगाह हो रही है, इबादतगाह में उनके कुर्सी रहती, कुर्सी बैठ कर पढ़ते हैं। हुजूर ने कहा मरीज को सल्ले अलल अर्द, ज़मीन पर नमाज पढ़ो। तो हुजूर ने नहीं कहा कुर्सी पर पढ़ो, कुर्सी पर जो लोग बैठकर पढ़ते हैं वो सभी बराबर नहीं करते, अब खड़े होते हैं तो आगे जाते हैं और जब नमाज का टाइम होता है तो पीछे जाते हैं। इससे कोई ताज्जुब नहीं कि उनकी नमाज भी बातिल हो, क्योंकि ये नमाज मुनफरिद हो गई, नमाज जमात और सब के साथ नहीं हुई। लेकिन इसका सद्देबाब कैसे कोई करे, थोड़ी तकलीफ हुई, पूरी दुनिया में दौड़ेंगे मस्जिद में सबसे बड़े अमीर बन जाएंगे आकर के, मैं तो ये नहीं कर सकता। हदीस में आता है कि यानी अगर आप ना बैठ सके तो आप दोनों पैर से बैठा कर ज़मीन में पढ़ो, रुकू सजदा इशारे से पढ़ो, खड़े होकर पढ़ सकते हो पढ़ो, फिर बैठ जाओ, नहीं तो बैठे बैठे पढ़ो भी, लेकिन कुर्सी पर पढ़ो, सब काटो, सब में खलल लाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन क्या करें हम, जब सैले चल चुकता है तो उसके सामने खड़े होने वाले लोग खसो खासा की तरह बह जाते हैं। ये सऊदीया से बुराई उठी, पूरी दुनिया फैल गई। सऊदीया के उलमा ने, ताइफ के एक आलिम ने ज़बरदस्त किताब लिखी, और उस किताब का खुलासा हमारे मजल्ला इस्तिदराक में उसके खुलासा मुख्तसर नशर भी किया गया, मुखालफत में कि कुर्सी पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए आदमी को। हुजूर ने कहा सल्ले अलल अर्द, ज़मीन पर नमाज पढ़ बैठ करके। खड़े हो सकते हैं, रुकू में भी जा सकते हैं, सिर्फ सजदे में तकलीफ है तो खड़े होके सजदे का इशारा कर सकते हैं, नहीं बैठ जाए, बैठ जाए हाथ पैर फैला करके। अब असल में हम बीमार हैं तो अभी हम कुल करके दिखला देते, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घुटना उठना घूमता है, चलता है, तो है? नहीं सब गलत बात है, ऐसा ऐसा ये मस्जिदें जो है क्रिश्चियन की इबादत को क्या कहते हैं, गिरजाघर हो जाएंगे चर्च। बहुत से लोगों ने इस पर बहुत इनकार किया, यही कह करके कि क्या मस्जिद का है, तो ये जो चर्च की नमाज है ये इस्लाम की नमाज नहीं है। दस बारह साल पहले एक बूढ़े ने बब्बे मुझसे पूछा सवाल कुर्सी का, तो मेरे का जायज नहीं, तो गुस्सा हो गया, तो मेरे का पूछा कि तो गुस्से, मैंने कहा पूछने की जरूरत थी भाई, मत पूछो। अच्छा मैं भी हंस के पड़ा, गुस्सा नहीं हुआ, मैंने कहा बाबा जब आपको मालूम था तो पूछते क्यों हैं आप, और जब पूछते हैं तो जवाब पर नाराज क्यों होते हैं। सवाल नहीं, सब लोग जानते हैं ना, गिदे यारिफून कमे बोले मिनियून,
अरे आप लोग भी शुरू करो कुछ। क्या कह रहे हो? जमा बिन सलातैन के बारे में बहुत ज़्यादा झगड़ा फागड़ा मत किया करो। जब लोग कह दें कि कर लो तो कर लिया करो, क्योंकि पानी सबके लिए अक्सा नहीं होता है और ना हर मौसम अक्सा होता है। हम है ना इस तामझाम में अभी बारिश बहुत अच्छा लगेगा चलते, लेकिन बरसात में नहीं चल सकते, उसमें जाड़े में नहीं चल सकते मारे डर के कि बीमार हो जाएंगे। अच्छा, हमारे से लोग बहुत से कमज़ोर हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं हैं ज़्यादा कि नमाज में आए गए भीग गए, घर जाकर क्या पहन कर सोए। एक दो ही जोड़ा कपड़ा है, एक जोड़ा उसमें वॉशिंग मशीन में है। इसलिए बारिश जब होने लगे वो बहुत ज़रूरी नहीं कि तेज़ हो और सौर फाड़ दे। तो जब लोग कह दें कि जमा बने सलातैन कर दो तो कर दिया करो। इस मसले में असल में हम लोगों से को बड़े बड़े उलमा मिलने चाहिए जिनसे बहस हो तो बताया जाए बहुत सी चीज़ें कहाँ से घूम घूम करके लाया जाए, समझे कि नहीं। इसलिए ऐसे मौसम में आप कहें तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश जाड़ा होता नहीं। यूपी में जो जाड़ा होता है उसमें भी नमाज जमा करना बिल्कुल जायज़ नहीं, बल्कि बहुत मरतबा वाजिब है। और ठंडक पड़ती है कि जो मालदार आप लोगों की तरह हैं बूढ़े, वो भाग जाते हैं यूपी से बम्बई जाड़े में, उनका हाल ख़राब हो जाता है, वजू नहीं कर सकते। कहते हैं शेख कुछ भी पहन ले मोज़ा, पैर गर्म होता ही नहीं किसी वजह से। अच्छा, मैंने भी देखा एक दिन जब मैं इमारात से आया था रियाज की, जब मेरी मंजूरी है यूनिवर्सिटी से पढ़ाने की प्रोफेसरी की, तो उस रात जो जाड़ा था हम लोग घर पर एक कमरे में हो गए, एक कमरे में तब भी गर्म नहीं हो रहे थे। तो जब जाने लगे सुबह तो मैंने अपने बच्चों से कहा अब तो रहमान उमर से, उमर तो इंतकाल कर गया, अल्लाह उसको जन्नत में दे जगह। कहा मैंने कहा ये अल्लाह का एहसान है तुम लोगों पर कि इस मौके पर अल्लाह ने तुम लोग को रियाज बुला लिया, लेते ये मर गए होते सब लोग। हाँ नहीं अगर, हाँ अच्छा पूछा आपने, और बारिश हो रही है तो घर में नमाज पढ़ो। हाँ लेकिन वजू अजान करके किसी के लिए जायज़ नहीं कि नमाज बिला अजान के पढ़े। इस मस्जिद में सिर्फ अजान एक होगी और इमामत एक होगी, इमामत एक अजान एक, दूसरी जमात भी जायज़ नहीं करना, मकरूह बिदात हराम सब है, उम्मत के इजमा खिलाफ है दूसरी जमात करना। और कहीं पढ़ोगे बाहर तो जहाँ पढ़ोगे चाहे तनाव चाहे पाँच आदमी हो तो आपको वजू करके अजान करके फिर तकबीर करके फिर पढ़ना, और घर में बीवी बच्चों को इकट्ठा कर लो तो और बढ़िया बात है। मस्जिद कितना दूर हो तो मस्जिद को तर्क करके घर में पढ़ सकते हैं? वो तो अपनी ताकत पर है, ये तो हम नहीं कहेंगे कि आप मोटरसाइकिल इस्तेमाल करो, ये नहीं कहेंगे कि साइकिल इस्तेमाल करो, ये नहीं कहेंगे गाड़ी इस्तेमाल करो। अब बाद में अपनी ताकत है, जैसे अब हम लोग हैं हम नहीं जा सकते, हम तो अपने होटल से नहीं जाते मस्जिद नमाज पढ़ने, क्यों? वो आते हैं मस्जिद सब में खड़ा होने ही हमारे भारी पड़ता, तो आदमी जिसकी ताकत है। मगर आधा किलोमीटर बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, आधा किलोमीटर पर अगर आदमी ना गए जमात में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन कोशिश करे, अगर आएगा तो सवाब दर सवाब है, नहीं आया तो गुनहगार इंशाल्लाह नहीं होगा। अब तो आवाज़ अजान आपकी अब बंगलों के बाहर सुनाई पड़ती है, लाउड स्पीकर तीन मंजिल मस्जिद पर लगा दो लाउड स्पीकर, चारों तरफ पता नहीं कई किलोमीटर जाएगी। हरम की अजान पूरे मक्के में सुनाई पड़ती है, तो क्या पूरे मक्का में नमाज पढ़ने इसका एतबार कुछ नहीं है। आधी अजान, आधी मतलब समझते हैं नॉर्मल, वो जो सुनाई पड़े अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये अजान है। अब हम क्या बताएं कैंची हम कहाँ पाएं कैंची,
हम भी तो थोड़े से नए दौर के हैं, वरना हम लोग के यहाँ मस्जिद गांव में दो थी, आधे लोग उधर पढ़ते आधे लोग इधर पढ़ते थे, किसी की जमात नहीं छूटती थी। हाँ जैसा आप बोले कि दूसरी जमात नहीं बना सकते, अभी मग़रिब में जमा बना सलाह हो गई मग़रिब में, और ईशा में कई लोग आए साहब, तो उन जो लोग आए सो जमात नहीं बना सकते नहीं, तना तना पड़े तना तना। यहाँ बेंगलोर में तो एक मस्जिद में दो जुमे की नमाज होती है, वो भी गलत है? देखिए वो गलत है, लेकिन जब बहुत मजबूरी हो तो होता है, रेगुलर होता है नहीं। जैसे बम्बई में भी भीड़ ज़्यादा है, बम्बई काहिरा मिस्र का अमेरिका के बाद शहर, उसमें उलमा की इज्तिहादी राय कुल फेल हो चुकी है। हम तो दूसरी मंजिल पर नमाज के कायल नहीं हैं, क्यों? ऊपर का आदमी हमको अगर नहीं देखे, हाँ अगर देखता है इमाम को कम से कम तो सही है, लेकिन बहुत जगहों पर बम्बई में चार चार मंजिल बनाए मस्जिद, वो नीचे बना ही नहीं सकते। अवलन तो कोई घर नहीं देगा, अब दूसरे देगा तो एक एक अरब रुपया घर के लिए कहाँ से लाए? एक अरब रुपया यहाँ लगे, एक उधर, तो चार पांच अरब का घर खरीदें उसके बाद हो। तो हम लोग कहते हैं भाई क्या करोगे, ये मजबूरी, वरना जानबूझ करके बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा ये नहीं, बम्बे में इतने बेवकूफ़ बात हैं, ये खुतबा दे करके नमाज पढ़ाएंगे तो फिर खुतबा दे करके नहीं, फिर अजान होगी, फिर खुतबा देकर फिर नमाज पढ़ाएगा। अरे मेरे को इतनी बेवकूफ़ी जरूरत नहीं है, खाली नमाज पढ़ा दो बस, बाहर लोग खड़े ही रहते हैं। तो मैंने कहा ये भी मजबूरन, वरना भी बात आएगी, जमात सानिया हो गई है ना। अजान देने जा रहे क्या? इतने सज धज करके मैं समझा रहे अजान देने आप? तलाक के सिलसिले में सवाल आया है, हैज की हालत में तलाक दी जाने वाली वाक़ हो जाती है। मसला है, मैं दो ऐसे पहाड़ों के बीच में खड़ा हूँ, मेरी राय है, ये ना समझिए कि मैं किसी का मुकल्लिद हूँ। तो हिमाकत है जो लोग कहते हैं शेख बिन बाज की मुखालफत करता है फलाना, शेख अलबानी करता है, अरे दोनों खुद ही कहते थे कि हमारी तकलीद मत करो, तो जो दलील से मिलती है चीज़ उसकी मुखालफत की जाती है। अब आप हमारे ऊपर हुक्म लगाए दें तो आपकी बहुत ही गई गुजरी बात है। शेखुल इस्लाम बिन तैमिया उनके शागिर्द कहते हैं कि तलाक नहीं होती, और शेख अलबानी कहते हैं तलाक होती है। आप मौलवी साहब हैं, इरवाउल गलील जानते हैं? शेख अलबानी की इरवाउल गलील किताब, वो तलाक देखिए, उसमें उन्होंने कलम तोड़ बहस की है और साबित किया है कि हैज की तलाक बिदई है, बिदात है, लेकिन वो हो गई। और हदीस वाज़ह लिखा है कि लिखा कि हाँ क्यों नहीं, वो तुम पर वाकई हो गई। तो अब आप लोग जिस मामलों को बिगाड़ना बनाना चाहें तो इब्ने तैमिया की तरफ हो जाइए, और जिसका बिगाड़ना चाहें जो है उसकी बीवी को लेना चाहते हैं तो इब्ने जो है शेख अलबानी की तरफ हो जाइए। जानते हैं ना कि कोई पीर साहब थे तो कोई मुरीदीन बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा चाहते थे उससे ब्याह करें, लेकिन अब कैसे ब्याह करें? तो किसी देखा कि उसका शौहर पश्चिम तरफ पेशाब कर रहा है, अरे तुमने तो काफिर हो गया, तू तेरा निकाह टूट गया, अब वो गांव में उस बीवी को छुड़वा दिया। भाई निकाह होने बाद तलाक वो खत्म हो गया, और किसी सूरत से फिर उसे ब्याह कर लिया। तो बात ये कि होती है तलाक, हमारे अहले हदीस मसले के अहले हदीस के हिसाब से अलबानी 1400 सदियों का ज़बरदस्त इमाम है, इमामुल अइमा है, उनको थोड़ी परवाह किसी के किसके किसके यहाँ जा रही है हदीस, इसीलिए हनफिया कहती है हदीस को सही कर दिया,
हनफिया मर गए नहीं सही कर सके, शेख ने सही कर दिया। अहले हदीसों की कितनी हदीस आप क्या कि जो पहले ज़माने की किताब में लिखी गई हैं वो हदीस ज़ईफ से भरी पड़ी हैं सब, लेकिन शेख ने बता दिया कि ज़ईफ है ज़ईफ है ज़ईफ है। तो ये बात सही है हमारे यहाँ, ये मतलब हम नहीं कह रहे कि बहुत गलती पर लोग थे, लेकिन बारीकी इतनी नहीं होती है सबके पास, इसलिए सही यही है कि तलाक हैज में हो जाती है। हाँ एक बात है, तलाक बिना गवाही के नहीं होती, इस मसले को मेरे ख्याल आप लोगों ने कभी सुना ही नहीं होगा, तलाक बिना गवाही के नहीं। जैसे किसी बादशाह ने अपनी बीवी तलाक दे दिया तो पुलिस आया पूछा वहाँ कोई था, तो कहते ले अगर होता तो कोई झगड़ा छुपा नहीं देता मेरा उससे, रात में नहीं था तभी तो तलाक हुई, तो कह रहे तुम्हारी तलाक नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जैसे निकाह बे दो गवाह के नहीं ऐसी तलाक भी बे दो गवाह के नहीं। अब क्या हिकमत रब्बानी है, अल्लाह की कितनी बड़ी हिकमत है, क्यों एक बजे रात में आदमी गुस्सा हो और सुबह तक ठंडा हो जाएगा। बाल लड़कियाँ ने उसको टेलीफोन किया इमारात में, क्योंकि मैं इमारात में सबका अब्बा हो गया था, शेख मुझको अपने शोहर से अभी तलाक लेना है। मैंने कहा अभी, बम्बई की जबान है पक्का, हाँ पक्का पक्का पक्का। मैं कहा जब तीन दिन के बाद तुम टेलीफोन करो बेटी तो मैं बुला कर तेरे शोहर से तलाक दिलवा देता हूँ। तीन दिन के बाद जो है टेलीफोन उसका आया, मैंने कहा बुलाऊँ, नहीं शेख नहीं 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 तलाक चाहिए मुझको। मैंने कहा देखा औरतों का शैतान चढ़ता है, अगर उस वक्त मैं भी तुम्हारी तरह पागल होता तो कहते तलाक दे, और शोहर कहते हर जब शेख ने कह दिया तो उसको तलाक दे इसी बेहूदी औरत को। ऐसे कई किस्से हुए, शेख मैं एक मिनट नहीं रह सकती, क्यों नहीं रह सकती भाई, नहीं नहीं नहीं, अरे मैं कह बिल्कुल तय, अच्छा ठीक है तो अच्छे पर रहो इंशाल्लाह तीन दिन के बाद हम बुला दे तेरे शोहर को। इसीलिए तीन दिन में गम भी हटता है, तीन दिन में खुशी भी हटती है, सभी गिरी तो किसी की भी तलाक नहीं हुई। ये सब मुझसे तजुर्बा सुन लो, क्योंकि मैं बड़ी अच्छी उम्र का अल्लाह बरकत दे हो चुका हूँ। अब देखिए दुआ बारह आप लोगों से मुलाकात होती भी कि नहीं, रुक रुक आपका नाम कहाँ के रहने वाले और कहाँ के फारिग हैं? अल्लाह बरकत है। चलिए हाँ, तलाक वाक़ हो जाने की सूरत में औलाद अगर मौजूद है तो किसकी तरफ जाएंगे, किसकी तरफ औलाद? औलाद की उम्र पर डिपेंडेंट है, छोटे बच्चे को तो अगर बाप कितना भी जालिम हो हक नहीं लेने का। मन फर्रका बैन वालदैन व वलदिहा फर्रका अल्लाह बैनहु बैन हिब्बतिही यौमल क़ियामा, जिसने माँ और बच्चे के दरमियान तफरीक की तो अल्लाह उसको और उसके अकारीब के दरमियान तफरीक कर देगा। अच्छा लड़का अगर 7-8 साल का हो चुका है तो बाप की तरफ जाएगा, लेकिन बाप कह दे कोई बात नहीं अगर माँ की तरफ रहे, लेकिन बाप ज़बरदस्ती कर सकता है। लड़की 7-8 साल की हो जाए अगर माँ बुरी है तो हिकमत से उसको ले लेना चाहिए, लेकिन माँ बुरी नहीं है, माँ जो है लड़की की तरबियत करेगी तो उसको वहीं रहने देना चाहिए। ये जान लीजिएगा कि बाप लड़की पर ज़्यादा गैरतदार होता है माँ से। इब्न तैमिया का इस पर एक बड़ा बेहतरीन मकबूला है, मैंने नशर किया होगा तुम्हारे यहाँ, मगर तुम लोग याद क्या करते हो, याद करो तो अल्लामा हो जाओ, क्योंकि और कितनी औरतें हैं जो अपनी लड़कियों को दूसरे से बांध देती हैं ज़ाती मसले, लेकिन बाप नहीं, बाप मर जाएगा नमक रोटी खाएगा लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी लड़की के ऊपर कोई उंगली लगाए। एक तलाक में दो गवाह बोलते हैं, ऐसे ही दो गवाह ज़रूरी होना उसके बगैर होता ही नहीं, नहीं नहीं मतलब अब तो गवाही नहीं क्यों आ रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं नहीं तलाक दिया आपने बताया बाद में भाई दो आदमी गवाह रहो कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, लेकिन चुप हो गए तो बीवी कहा करे तलाक दिया उसका कोई एतबार नहीं है। बीवी कहे मुझको तलाक दिया आप कहो उसको कह रहे दो। ये
یہ مسئلہ بہت مہم ہے، یہ مسئلہ اس کے نشر ساد کرو، اس میں کتنے لوگوں کے معاملات صحیح ہو جاتے ہیں. کیوں؟ جو شیطان لگتا ہے میاں بیوی کو رات میں تو فجر تک اتر جاتا ہے وہ، ان کو نیند. دلیل حدیث ہے، اب حدیث یاد نہیں پڑ رہی ہے کون صحابی ہیں، حدیث نقل کے اور سورۃ الصلاح اس میں بولو رونا میں حدیث موجود ہے، اور شیخ البانی کا فتویٰ بھی ہے کہ طلاق لا تقو طلاق بدون شاہدین کما لا ناقد النکاح بدون شاہدین بدون شاہدین. علماء کے غیر حاضری میں جیسے آپ آئے ابھی چار دن میں آپ چلے جائیں گے، تو یہاں جو لوکل جو عمر آباد سے فارغ ہیں یا مدینہ سے جو فارغ ہیں، ان لوگوں سے ہم لوگ ایسے ہی سلام مشورہ کر کے ان کے بات پہ چل سکتے ہیں یا سختی سے نہیں؟ ابھی تو آپ ہم کو یہاں بنگلور میں نہیں داخل ہونے دیں گے. کیوں؟ یہاں کے لوگ بہت سرکش ہیں بہت سے، اور علماء بھی بھائی جو اولاد انہیں باپوں کے تو اسے ہوتے ہیں، یہ سب بات ہم لوگ کہہ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ اگر میں کہہ دوں تو یہ ہے کہ بہت سی باتیں بالکل نہیں جانتے ہیں، لیکن میرے کہہ دینے پر جو جانتے ہیں وہ بھی آپ نہیں ان سے لیں گے تو آپ کہاں جائیں گے؟ یہ بات اصل ہے. تو ہم سے کہیے گا کون کامل ہے نہیں بتا سکتے، کیونکہ میں نے کسی کو اتنا کامل نہیں دیکھا اب تک، تو یہ نہیں کہوں گا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے مت مسئلہ پوچھیں. کیوں؟ جیسے یہ ہے، یہ بیٹھے ہیں، یہ لڑکا بیٹھا ہے، یہ تو بہت سے مسائل جانتے ہیں، تو اگر کہہ دوں کہ پوچھو تو سب چیز میں ان سے پوچھ کر سب سے لڑو گے، بھی بری بات ہے، اور کہہ دوں نہیں تو کچھ نہیں پوچھو گے اور بہت سی بات جانتے ہیں سب بیچارے. کیا خیال ہے؟ میرا جواب صحیح ہے؟ میرا جواب صحیح ہے کہ کچھ آپ کو تکلیف اس پر ہے؟ نہیں، کہہ دوں کہ نہیں ان سے سب پوچھ لیا کرو. حل کیا؟ پیسہ خرچ کرو. نہیں نہیں، بڑے بڑے علماء کو رکھو، ان علماء کو مت رکھو جو تمہارا پیر دبائے بیٹھ کر کے، جو تمہارے سامنے بول نہ سکے. ہمارے جیسے ٹیڑھے ٹیڑھے دو چار عالم بلا لو، بغلو ٹھیک ٹھیک ہو جائے گا، سمجھے کہ نہیں؟ وہ اصل میں ہمارے نانا تھے، کہتے تھے اگلا مرد 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 اور داہنا برد یعنی بیل، ایک کہاں پیدا ہوتے دنیا میں، ان کو مار کر کوئی نہ سردار بنا سکتا ہے اور نہ مار کر بیل کو کوئی داہنا بنا سکتا ہے. ایسے لوگوں کو رکھو، علماء کو پیسے دے لا کر کے، ان کی تنخواہ دے کر کہ حضرت آپ یہ رہے اور لائبریری بناؤ، اور کہو کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے. ہمارے شاگرد امارات میں ہم کو سوئی لینے نہیں دیتے تھے. میں مثال نہیں دے رہا ہوں، میں صحیح کہتا ہوں. ابو خالد رحمۃ اللہ علیہ مجھ پہ جھگڑا کر لیا، میرے شاگرد نے گھر میں ٹیلی فون کیا، اس کو ٹیلی فون نہیں تھا، وہ جوال شیخ کا کہ گئے ابا گئے سوئی لینے، بہت مجھ سے لڑا، آپ سوئی لینے گئے تھے؟ تو میں نے کہا تب کیا کروں، مجھ سے کیوں نہیں بتا؟ میں نے کہا ابو خالد بے عزت مت کر دو، میں سوئی کے لیے تم سے کہوں تو 35 کلومیٹر سے وہ بھیجے گا ڈرائیور، کار شیخ آپ بھیج دیتے ہیں، اتنی دیر میں ایک حدیث تو آپ سے ضرور فوت ہو گئی جس کو آپ صحیح صحیح ہم کو بتاتے ہیں. ہم اس مال اس دولت کی کا کوئی بدلہ نہیں لے سکتے. اور رہی سوئی، تو ہمارے پاس گاڑی ہے، ڈرائیور ہے، پیٹرول ہے، مگر آپ کا نکلنا اس لیے نہیں کہ آپ بے عزت ہیں، آپ اتنے معزز ہیں کہ آپ مت نکلو. کیونکہ اگر ایک حدیث فوت ہو گئی تو 250 لڑکے آتے ہیں، 250 لڑکوں کا حصہ گیا کس میں؟ ایک سوئی کے پیچھے. ایسے علماء کو رکھو تب کام چلے گا. یہ تو آپ پالیسی بول رہے ہیں، جو عام عوام ان کے لیے عوام وہی ہیں، عوام وہی علماء سے پکڑیں. یہاں 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 بڑے علماء کو بلاؤ پکڑ پکڑ کر کے. ہندوستان میں ہیں لوگ، بات نہیں، زندہ پریشان ہیں، بمبئی میں ان کی گدائی کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ہیں، لگتا ہے اچھے ہیں. بغلور ہی میں نے ایک آدھ علماء کو دیکھا ہے، بہت پسند مجھ کو آئے. ایک تو مولوی صابر صاحب، یا کوئی صابر کہاں ہے خلیل اللہ میں، بہت پسند آیا مولوی صاحب ہم کو. میں ان کو تو زیادہ نہیں جانتا کہ بتاؤں، ہاں میں ان کو نہیں جانتا. اب یہ بیٹھے بیٹھے ہمارے ساتھ دو چار مرتبہ تو معلوم ہو کہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. تو علماء کو بڑے بڑے رکھو اور ان کی کفالت کرو، سنو، ان کی کفالت کرو. اور وہ ادھر ادھر نہیں کرتے، گھومے بیچارے، وہ پیچھے روزی کے پڑے رہیں گے تو کیا کریں گے؟ ہاں
वो हुई नहीं तो क्या रुजू करोगे जी, हुई नहीं हो बिला गाही के ना रुजू क्या जरूरत है इस हालत में। हाँ लाजिम रुजू करें, लेकिन अगर कहीं तीसरी हो तो, लेकिन अगर तीसरी नहीं है तो वाजिब है रुजू करना। यहाँ सलाम अलैकुम की जरूरत नहीं है, क्योंकि मजलिस में सलाम नहीं करते, मजलिस हो गए सलाम आए है, हम बोलो गलत है। असल में अजान ही गलत करते हैं लोग, हरम के इत्तबा में, हरम में सुन्नत रसूल पर अमल नहीं है, वो जो बंसी बांसुरी बजती है वो अजान नहीं है। अजान में मजबूती पहलवानी ताकत के साथ हो, मेरा गला ना बैठा होता तो अभी एक दो तीन कलिमात जोर से करके कहता कि ऐसा अजान देनी चाहिए। वो बहुत हराम काम करते हैं, ये भी सऊदीया की तकलीद है। सऊदीया में 15-20 साल से नजद में बदतमीजी हुई है, हिजाज में नहीं थी, अब हर जगह हो रही है, हाशिया बनाते हैं। जब तक सफ के लोगों का जिस्म उस दीवार से लेकर उस दीवार में न लग जाए तब तक सफ पूरी नहीं हुई, सफ नाकिस है। जायज नहीं कि दूसरी सिर्फ कोई शुरू करे जब तक उसको पूरी न करे। हम लोग इसीलिए सऊदी में जहाँ हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अपना लोहा मनवा लेते हैं, वहीं में पढ़ता हूँ नमाज, अगर थोड़ा सा पिछड़ा वही जहाँ जगह रहती है तो देख क्यों 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 डॉक्टर साहब क्यों डॉक्टर साहब, तो जब मैंने कहा तुम लोग बिदाती हो, मालदारी ने तुम्हारी अकल ले ली है, मैंने कहा सब पूरी हुई। अब मेरी देख अदाका कितने सऊदी कितने सूरी कितने उर्दनी सब खड़े होते हैं। अकमल सुफूफ अल अव्वल फल अव्वल वमा यकून मिन नक्स फयकून फिल आखिर औ कमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफ़ों को पूरी करो पहले ही, फिर दूसरी, फिर उसके बाद, और जो कमी हो वो आखिर में रहे, भी शुरू इसी सब में नहीं होनी चाहिए। पाली हदीस, अब वो इमाम साहब करें हदीस को भी नहीं जानते तो ऐसे इमाम को मस्जिद में रहने नहीं चाहिए। भाई यदि हदीस मालूम ना तो इमाम है, नहीं नहीं जायज नहीं, इल्ला वही मजबूरी आ जाए कि नहीं है जगह कहीं है तो मजबूर अल्लाह मालिक माफ कर देगा, क्या करेंगे। वो मुकम्मल सवाब है, उससे ज्यादा हरम के अंदर नमाज गड़बड़ होती है, क्यों कोई सब जो है टेढ़ी बड़ी कुल सब कटी कुटी रहती है, जो अगर सब पूरी है बाहर तक पूरी नहीं रहती है, नहीं तब नहीं माना जाएगा, नहीं नहीं मत पढ़ो, सब गलत है। वहाँ के उलमा भी कहते हैं गलत है, लेकिन सुनता कौन है। कोई भी नमाज का सिवाय जनाजा और ईद के इसका सवाब नहीं, 1,00,000। इस बारीकी को सुन लो, कोई तुम्हें बताएगा नहीं। ईद की नमाज जनाजे की नमाज का वही सवाब है जहाँ जो बंगलौर में पढ़ने का, लेकिन और बकिया नमाज जो पढ़ोगे 1,00,000। बोल भाई, कान से सुनो कि जबान से सुन रहा हूँ मैं। बोलो बोलो, मस्जिद
क्या है? जब हम उस जगह पे जाके पढ़ते हैं नमाज जो खारिज की गई है, तो वो मस्जिद के जो लोग होते हैं वो कहते हैं मस्जिद के जिम्मेदार ने बोला अगर नमाज नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, पीछे सब बनाओ, पीछे सब बनाओ। मस्जिद के जिम्मेदार का मतलब ये नहीं कि इस्लाम के खिलाफ काम करें, पहले लिखें पढ़ें उसके बाद मस्जिद के जिम्मेदार बने, कौन सी बात बदमाशी की, उन्हें वो सफ़ी नहीं है, वो लाजिम पढ़ना चाहिए, इमाम को बुलाओ उससे बात की जाए, समझा दिया जाए, बस। असल में इस पर तफसील से नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं तुम्हें बताता कि कितनी बड़ी बिदात है रास्ता छोड़ना इर्द गिर्द से, पेट वही है, इंसान वही है, हवा वही खारिज होती है जो सहाबा के ज़माने में खारिज होती थी, अब तो कोई नई हवा नहीं, ना पहले पुरानी थी। हुजूर ने कहा जब कोई किसी की का की हवा खुल जाए तो अपनी नाक पकड़कर सब फाड़ता हुआ बाहर चला जाए, तो आपने क्यों नहीं कहा कि बगल मेरा साहसिया छोड़ा करो? ये है बिदात, इसके बिदात होने में सुबह नहीं। अल्लाह उम्र अल्लाह उम्र अल्लाह उम्र अल्लाह उम्र शायद उस मस्जिदों की बात कर रहे हैं जहाँ वो वहाँ जो रास्ता जाने के लिए छोड़ देते हैं सफ़ों के बाद में रास्ता, अब नमाज हो गई है पहले सफ़र होती है तो ऐसा जाए कि वो रास्ते में से कोने में चले जाते हैं। नहीं, गलत बात हो, गलत बात है। कोई भी पहले के लोगों की नमाज नहीं फौत नहीं होती थी, पहले लोगों का वज़ू नहीं टूटता था, नाक नकसीर नहीं होती थी, पाखाना नहीं लगता था, पेट में दर्द नहीं होता था, ये कौन सी बातें आप लोग उठाते हैं बैठ करके? असल में माल अक्सर वबाल लाता आदमी पर, जान लीजिएगा इस पर। मैं आज खुश होता तो बड़ी तकरीर ठीक की होता, लेकिन तबीयत गड़बड़ है, मैं क्या बताऊँ। वो तो इस मस्जिद के अहमियत के नाते, और ये जो दितार जिन हमारे पीछे पड़े हैं, एक बैठा ये और सबसे बड़ा जिन्नी वो बैठे हैं, ये मुझको ज़िंदा नहीं रहने देते। शेख शेख चलिए, बहरहाल अल्लाह उनको जज़ाया खैर दे, उनके सख्ती से फ़ायदा तो हो ही जाता लोगों का, वरना मैं नहीं आता तकरीर करने। लेकिन मैंने कहा भाई बड़ी सबसे बड़ी मस्जिद है, एक मरतबा वादा खिलाफी हो चुकी, चाहे भाई मजबूरन हुई हो तो आज भी ना हो। वैसे मैं बैठता हूँ कुर्सी तो थोड़ा टाइट हो जाता हूँ, आया हूँ तो एकदम ऐसे बंधा हुआ था। असल में ये मस्जिद बनाने वाले जब मस्जिद बनाते हैं, अगर सही अहले हदीस हैं तो कुछ नहीं होता। हम लोग की मस्जिद में आइए, हमारी जामिया इस्लामिया दरियाबाद में देखो, हमारे दरियाबाद में मस्जिद देखो, कहीं सफ़ कटती है। उसके लिए वो दिल होना चाहिए कि हम इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं बनाएंगे। आज मस्जिदें नहीं हैं, कनीसा हैं, चर्च है। हदीस में आता है इज़ा ज़खरफ़्तुम मसाजिदकुम वहल्लैतुम मसाहिफ़कुम फद्दमार अलैकुम, जब तुमने मस्जिदों के अंदर ज़ेब ज़ीनत की और क़ुरान को रंगीन छापा तो जानो कि तुम्हारी अब हलाकत हो चुकी है। तो हलाकत है ही है, आपसे भी ज़्यादा कोई जलील दुनिया में, अरब दुनिया में आपकी कोई इज़्ज़त नहीं। अब अमेरिका, ब्रितानिया, अफ्रीका, इंडिया देखो, ये जो है इसी क़ुरान और मस्जिद की बदमाशी से आज जो है हम लोग सबके सब जलील हैं। इदा ज़खरफ़्तुम मसाजिदकुम वहल्लैतुम मसाहिफ़कुम फद्दमार अलैकुम। सऊदीया का कुरान यहाँ है, सऊदीया कुरान को यहाँ है, सऊदीया का कुरान। ये सऊदीया का कुरान है, ये है और शुरू होता यहाँ से, ये है। तो जब वहाँ से कुछ चीज़ें हों, मैं इसीलिए कहता हूँ तुम अहले हदीस हो, तुमसे अच्छा कोई दुनिया में नहीं है, इसलिए अपने को किसी से मत बांधो। ये काम हराम है कि आप कुरान पर ऐसे नक्श निगार बनाकर छापें, हदीस रसूल है,
اذا زخرفتم مساجدکم، آ جاؤ مسجدوں میں، پی او پی لگی ہوئی ہے، نقش و نگار لگے ہوئے ہیں، سمجھے کہ نہیں، وہ چیزیں جس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں لگے ہوئے ہیں، قرآن کو میں نے دکھلا دیا تمہیں کھل کر کے منہ سے کہتے دکھلا بھی دیا، شاید علماء لوگ نہیں سوچے ہوں، کیونکہ حدیث پر جب تک نظر کس کے نہیں ہوگی تب تک امت کے عیب نہیں پکڑ پائیں گے لوگ، اور جب حدیث پر نظر ہوئی اور ہمت ہوئی تو دیکھو کیا کیا ہو جائے۔ اس سوال کا سبب بھی عرب کی بدعت ہے۔ لڑکا پوچھ رہا ہے کہ کیا اذان کے وقت کان میں انگلی ڈالنا ضروری ہے؟ میں نہیں جانتا کہ 50 برس پہلے کسی ہندوستانی حنفی یا اہل حدیث نے سوچا ہوگا کہ انگلی کان میں بلا ڈالے بھی اذان ہوتی ہے، لیکن یہ مصری گویے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہوا۔ دوسرا طریقہ، چلو ایسے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیسرا طریقہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا، سعودیوں نے، ان کے استاد چونکہ مصری ہیں، سب کی ہی کل بری بری عادتیں ہیں، کان میں انگلی ڈالنا واجب نہیں ہے، لیکن بلال ڈالتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، تو سنت ہے۔ اب سنت کو کسی چیز کے بدلے چھوڑا جائے تو بات کہی جائے، جب سنت دوسری چیز نہیں ہے تو کہاں سے چھوڑیں گے اس کو، ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اس لیے آپ لوگ عربوں سے بہت متاثر ہیں، میں دیکھتا ہوں سب بیٹھے بیٹھے، کیوں، میں مخضرم ہوں، مخضرم عربی زبان میں، پڑھنے میں بھی مخضرم، پہلے کورس پڑھے فیضان میں اور جامعہ سلفیہ سے لے کر مدینہ تک جدید کورس، اور ایسے بھی عجم میں 24 سال رہا اور عرب میں 47 سال، ایک ایک، بلکہ عرب کی برائی زیادہ معلوم ہے، عجم کی کم معلوم ہے، کیوں، میں ہندوستان کو میں نہیں جانتا، میں بہت کم گیا ہوں کہیں، اور میری عادت نہیں ٹہلنے جانے کی۔ ہمارا لڑکے کہتے ہیں کہ ابا ہندوستان کا دورہ کریے، لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹا کہاں اتنا پیسہ پاؤں اور کس کے پاس جاؤں، سب کو بتاؤں کہ میں مان نہ مان میں تیرا مہمان، تو کتنی بری بات ہے۔ کہتا نہیں جائیے، کیونکہ آپ کے یہاں علماء کو معلومات نہیں ہے سب، تو سمجھ لیے نا، یہ کبھی وہ دوبارہ سوچ رہا ہوں، واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ سنت کے لیے تو پوری دنیا جھگڑا کیے ہو بیٹھ کر کے، بھائی کیا ہے، بندیاں کافر ہیں، آپ کی لڑائی ان سے سنت ہی پر ہے، چاہے عقیدہ کے سنت ہو چاہے سنت رسول ہو، تو سنت کو چھوڑو گیا۔ اس لیے اس طرح سے اس طرح سمجھے، اس کا ایک فائدہ، ایک تو سنت ہے، دوسرے اس کو جب دباؤ گے تو جب آواز زیادہ ہوگی تو تمہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے، جتنے دباؤ گے اتنے آواز نہیں سنو گے۔ نکاح میں لڑکی کا والد کو اگر شامل نہیں کرتے زبردستی، وہ ماما چاچا مل کے اپنے، لڑکی کا والد چاہتا کوئی عقیدے والے کے ساتھ نکاح کرنا، شاید تھوڑا غریب بھی رہے گا، لیکن یہ لوگ، نکاح باطل ہے، چاہے وہ فرشتے کے ساتھ کرنا ہو جب تک باپ راضی نہیں ہے، اور یہی نہیں ہے، اب باپ چھپتے ہیں لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے، یہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا، آج بھی دیکھا، یہ لڑکے پڑھا رہے ہیں، یہ ماموں مالک ہے، میں نے کہا باپ، کہتے ہیں، میں نے کہا کدھر ہوگی تم باپ، ماموں کیسے تھے، ماں نے کہا ماموں اس بارے میں دنیا کا سب سے آخری انسان ہے، جب کوئی نہیں ہے تو ماموں ہے، باپ نہیں ہے تو چچا ہے، باپ نہیں ہے تو اگر بڑا بھائی ہے تو بھائی ہے، بھائی نہیں ہے تو چچا ہے۔ ہاں تو یہ سب اصل میں عادتیں ہیں، ہندوانہ ہے، ہندوانہ جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو باپ چھپا پھرتا ہے، یہاں نکاح ہو رہا ہے، کیوں، لڑکی کا میرے نکاح ہو رہا ہے۔ آپ حکم دیں تو ہم بس مسجد سے بھاگ جائیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، جو کہہ دیں آپ، کیوں، یہاں پر اذان اگر جماعت تھوڑی دیر میں ہوئی تو برائی ہے، تب کیوں کہا آپ نے، کیوں کہا، شیخ کہاں گئے، امام صاحب بھاگ گئے، سوال آج کل
नहीं पहले इजाज़त ले लो, जमात करेंगे कि सुनेंगे। हाँ हाँ चलिए। सवाल आमतौर पर अहले तशय्यु से ये हो रहा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इब्तिदा में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी है या नहीं पढ़ी, क्योंकि वो सिर्फ बाजू बैठने हदीस में बाजू बैठने का जिक्र था, तो इब्तिदा में थे या वो भी इमाम थे? कौन सवाल? नहीं इमाम थे इब्तिदाए नमाज में, हुज़ूर के आने के बाद इमामत मुंतकिल हो गई हुज़ूर की तरफ। इसमें इतनी बारीकी की क्या ज़रूरत है? अरे हुजूर की खसूसियत है, अब मैं इमाम हूँ और आप पढ़ाने लगे मैं आऊँ तो मेरी ले जायज नहीं कि आपको एक थप्पड़ मार उधर कर दूँ, ना बगल में खड़ा हूँगा पीछे खड़ा हूँगा। तो हुजूर की खसूसियत है कि आपके सामने किसी के लिए जायज़ नहीं। लतकदम बैन अल्लाह व रसूल, समझे कि नहीं? तो अल्लाह के रसूल अगर जमात आ जाए तो आगे जाएंगे और बगल का आदमी बगल में खड़ा रहेगा। हम लोग हैं, अगर इमाम हैं और कोई पहले नमाज शुरू कर दे तो हम फिर नहीं आएंगे उसके सामने खड़े होकर के। शेख हमारे पहले जिसमें कई सारे ताजिर ऐसे हैं जो बिना मिल्कियत के भी बिजनेस करते हैं, और ये चीज़ कई लोग इसका इल्म नहीं है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा कुछ बोलेंगे तो बहुत लोगों को फायदा। भाई एक चीज़ एग्रीमेंट है, एक चीज़ एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट से तो होता है, हम आपकी ज़मीन बेच देते हैं और इसमें हमारा जो है ख़र्चा हक़ रहेगा, तो ये भी तो मिल्क नहीं है। अच्छा एक चीज़ होती है कि ख़रीदा है, अगर ख़रीद उसकी पुख्ता हो चुकी, मसलन ये कि हमने आपकी ज़मीन 10 करोड़ में ले ली, तो अब 10 करोड़ आपको देने ही देना है, आपकी बिके ना बिके, और सब तय हो गया है कि हाँ हमने बेच दिया, हम इसके मालिक हो चुके हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन इसके बगैर बेचना मिल्क अपनी तो जायज़ नहीं, क्योंकि ला तबे माला तमलिक हदीस में आता है, जिसके तुम मालिक नहीं उसको तुम बेच नहीं सकते। ला तबे माले से इंतकाल, तुम्हारे पास जो चीज़ ना हो उसकी भी तुम तजारत नहीं कर सकते। क्या तुम कुछ कह नहीं पा रहे हो तो मैं क्या कहूँ तुमको? अरे चलो तुमसे हदीस कौन पूछ रहा है, तुम मतलब बताओ, अब बताओ, इतना बड़ा झगड़ा सुन्नी और शिया में, उनको बता 2 मिनट में। तुम पर मुझको एक किस्सा याद आया, एक थे मौलाना मोहम्मद यूसुफ फैज़ाबादी, लंगड़े थे, फारसी के इमाम थे, तो कहीं किसी से मुलाकात हुई, कोई तुम्हारे तो अच्छा बच्चा था अच्छा इंसान, हज़रत मुझको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना दीजिए। तो वो तो अपने हज़रत यूसुफ़ किस्सा कितना बड़ा है कुरान में, तो कहते सुनो, पेदरे बूद पेसरे दास्त गुमशुद बाज़ियाफ्त, यानी कमाल की बलागत थी। एक बाप था जिसके पास एक बच्चा था, बच्चा गुम हो गया, फिर बाप को निपा लिया बच्चे को, कहा हो गया किस्सा, कहा हो गया किस्सा से, याद कर ले, याद कर ले, तुम पागल कोई नहीं बता कर दोगे, सब लोग पुराने लोग हैं। पेदरे बूद पेसरे दास्त गुमशुद बाज़ियाफ्त, पूरा किस्सा 4 लफ्ज़ में बोल दिया, बाप था उसके एक लड़का था, गुम हुआ फिर मिल गया। रात रात बीच की कुल हजरत यूसुफ का मामला 40 साल के बाद जाहिर हुआ था, यानी वो जो जिस उम्र में इतना काट दो जिसमें फेंके गए थे कुएं में, तो उनकी जो ताबीर हुई थी वो 40 साल के बाद हुई थी, दाल का ताबीर और रोया। जो
किस्सा सुना रहे थे क्या, तो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को विलन के जैसा ये कर रहे थे। कैसा? पूरा हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को कोई जो है उनका मुकाम गिरा के बात कर रहा था, ऐसा वाकया दूसरी तरह हदीस में आता है, लान अल्लाह मन सब्बा असहाबी, जो मेरे सहाबा को कहे उस पर अल्लाह की लानत हो। हुजूर की दुआ बददुआएं मामूली है। आज मुआविया जन्नत में होंगे और हम उनका गोश्त खाएं बैठ करके, यानी हया नहीं लोगों में, गलती तो हो सकती है। हजरत मुआविया से ने जंग की हजरत अली से, हमारे पास दलील भी नहीं कोई कि हम कह देंगे आओ बिल्कुल सही पर थे, बल्कि दिल में आता कि गलती पर थे वो, लेकिन उसका मतलब नहीं कि जन्नत हम देंगे कि जहन्नम हम देंगे। फिर अल्लाह ने जो कहा साहबे कराम से मैं राज़ी हूँ, मुझसे राज़ी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इब्न हज़म कहते हैं अज़्ज़मु जज़मन बैन सहाबता कुल्लुहुम फिल जन्ना, मैं इस बात का यकीन करके कहता हूँ कि साहबा सब जन्नती हैं। तो जन्नती रहेगा हो गए, तब क्या बाकी रहा। मैं कितनी भी बुराई करके दुनिया से जाऊँ और मुझे पता चल जाए आप लोगों को कि शख्स जन्नत में चले गए, तो आप चिल्लाते रहो पीछे, क्योंकि ज़िंदगी का खुलासा जन्नत जहन्नम है। अच्छे हैं तो जन्नत ही हैं, बुरे हैं तो जहन्नम ही हैं। इसलिए लानल्लाह मन सब्बा असहाबी, यह हदीस बहुत सख्त है, अल्लाह की लानत उस पर जो मेरे साहबा को बुरा भला कहे। फिर दफन हुई हड्डियों को उखाड़ना इंसानियत नहीं है। अमीर मुआविया कितना बड़ा सियासी इस्लाम में कोई इंसान नहीं पैदा हुआ। हजरत इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा है आज़मुल मुलूक अल इत्लाक़ फ़िल इस्लाम अल अमीर मुआविया, समझे कि नहीं। और नहायत खूबसूरत इंसान थे, वो देखते रहते थे लोग मुआविया को, मुआविया कैसे हाथ करो तो उंगली के निशान बनते थे गाल की सुर्खी के नाते। और ये ना भूलें मुसलमानों, आपके मामू हैं, मामू की नहीं है, आपके मामू नहीं हैं, देखिए फंस गए, यही आप तुम्हारे मामू हैं, कैसे। हाँ, उम्मे हबीबा हुजूर की बीवी हैं, कुरान में है वाज़वाजु उम्महातुहुम, हुजूर की बीवियाँ हमारी माएँ हैं। तो उनके जितने कुल भाई हैं, जितनी बहनें हैं, और नहीं हाँ जितने भाई हैं जितने सब हमारे मामू हैं, सब हमारी खाला हैं। उम्मातुल मोमिनीन कितनी, उसमें खाना भी है और अम्मा भी है, क्या बेहतरीन खूबसूरत रिश्ता है। और उसको लोग गंदा करते हैं ला करके, सोचने की बात है, समय यही बात रह गई है। उम्मत को अभी नमाज पढ़ने का ढंग नहीं, मैं देखता हूँ कितने लोग को रुकू का ढंग नहीं, सजदे का ढंग नहीं। इस पर जान दो, लोगों से लड़ो, लोगों को झाड़ करके बताओ, ये है सलम उम्मत की खैरखाही। मुआविया तो गए दुनिया से, अगर गलती भी की हो तो 1400 साल में कितने लोग का गुनाह, कितना गुनाह 1400 साल में ज़मीन के अंदर माफ़ हो जाता है। इसलिए क़यामत से पहले जो मुजरमीन मरेंगे उनका अजाब जहन्नम का बहुत टेढ़ा होगा, और जिनके अजाब कब्र में ख़त्म हो गए या हल्के हो गए, तो क़यामत में उनके साथ वो बात नहीं होगी जो नए नए मुजरमीन की होगी, जिनके ऊपर क़यामत कायम होगी। शेख, जो लोग कब्रों का या कब्रिस्तान की ज़ियारत जो ज़ियारत बार बार करते हैं वो ठीक है क्या है? मर्द के लिए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन औरत के लिए रोज भी कर सकते हैं। अब आप ऐसा सवाल करते हैं किसी के पास टाइम है रोज़ाना करें, बताइए किसी के पास टाइम है? ऐसी बात मत किया करो जिसका कोई मदद ना हो। किसी के पास टाइम है मेरे बुजुर्गों? अरे बीवी मरती है तो जाते हैं रोज़ाना रोते हुए, बीवी मर गई, अम्मा मर गई, लेकिन एक साल के बाद जाए कोई नहीं। माँ को, माँ से दुनिया में, मैं ज़बानी बात नहीं कहता हूँ, माँ नहीं भूलती आदमी को, बच्चे भूल जाते हैं, बाप भूलता है, माँ नहीं भूलती। माँ की एक एक हरकत मुझको आ जाती है, मेरी आंखें पहने लगती है, लेकिन कौन है जो माँ की कब्र की ज़्यारत रोज़ करता है? इसलिए उससे बातें मत पूछा करें फजूल में, बात वो पूछो जो सही हो। नहीं, बैठने दो, इल्ला के कोई बेहरमती हो रही हो,
वरना कब्र तो इसीलिए बनी है ख़त्म, नहीं तो अब तक कहाँ जगह रहती, कहीं खेती वेती होती। अगर कब्र ना ख़त्म होती दुनिया में तो आज खेती होती कोई? ये भी अल्लाह के हिकमतों में से है कब्र का ना बनाना कि जो है ख़त्म। हम लोग कब्र से हम लोग नहीं जान पाते दादा कहाँ थे, दादा को भी नहीं जानते कहाँ चले गए। कब्र के ज़्यारत ज़्यादा ज़्यादा करना बेहतर है, लेकिन किसी के बस की बात नहीं जो रोज़ करे। जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, अपने काम है, अब फिर काम खत्म हो तो बूढ़े हो जाते हैं। आज शफीक साहब नज़र नहीं आए जो हमें गए थे दावत देने, आज भी गायब हैं। खैरियत में कि हैं शफीक साहब हैं भाई, ला हौला वला बिल्लाह। मेज़बान ही नहीं है, हैं? अरे मगरिब में आए नहीं आए, हमको वही बुलाने गए थे। तो बंद कर हटा। अल्लाह मक्सिम लना मिन खशियतिक मा तहौल बिही बैनना बैना मासियतिक व मिन ताअतिक मा तबल्लगना बिही जन्नतक व मिन अल-यक़ीन मा तुहवनु बिही अलैना मसाइब अद-दुनिया। اللهم اتينا بأبصارنا وأبصار أسماءنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا